व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्त? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नए सप्ताह में एंट्री करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह ये बरकरार रहे। आज है 14th of March, आज का 10 दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार कोटेशन के साथ में, जिसको आप लोग अपनी लाइफ के साथ में भी कोरिलेट कर पाएंगे। बोला क्या गया है देखिए, यहां पर बोला गया, पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि जब आप लोग प्रयास करना स्टार्ट करते हैं तो कई बार आप लोगों को रिजल्ट नहीं दिखते हैं। आप लोग जैसे टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आप लोगों को एग्जैक्ट ऐसा रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा जैसा आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये होता क्या है, जैसे आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आप लोग एक स्टेज पर पहुंचते हैं, ठीक है, एक स्टेज पर आने के बाद में कुछ टाइम तक आप लोगों का ग्राफ जो है वो रुक जाता है, यानी कि इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर ग्राफ जो है वो रुका रहेगा। फिर प्रैक्टिस अगर आप लोग करते रहेंगे तो फिर आप लोग ग्राफ ऐसे चढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो फिर यहां पर आकर रुक जाएगा, फिर ऐसे रहेगा और फिर ऐसे चढ़ना स्टार्ट होगा। ये क्या होता है, ये बेसिकली आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करने के बाद में चीजों को रिवाइज करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रिपीट होने लगती हैं उसके बाद में। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये कोई क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाओगे, मान लीजिए फंडामेंटल राइट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, अब आगे चलकर फिर किसी और जो क्वेश्चन पेपर में फिर से फंडामेंटल राइट के बारे में क्वेश्चन मिलेगा, फिर किसी और क्वेश्चन पेपर में फिर से फंडामेंटल राइट के बारे में क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर जिस दिन पहला पेपर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उस दिन अगर फंडामेंटल राइट के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया और आप लोगों ने उठाकर उसी दिन ही गए पॉलिटी में और पॉलिटी में फंडामेंटल चैप्टर जो राइट था, फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर था उसको रिवाइज कर डाला, अच्छे से पढ़ डाला, अब आगे कोई भी अगर फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको मिस नहीं करोगे। तो इसको कहते हैं एक तरीके से बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन को देखकर स्टडी करना, और ये होती है प्रॉपर तरीके की प्रैक्टिस जो कि आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है। तो इससे कभी भी आप लोग एक कंफ्यूजन में नहीं आएंगे और सही तरीके से चीजों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे आगे आगे, वैसे ही वैसे आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें रिपीटेड होने लगेंगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को याद होने लगेंगी। इसलिए कहते हैं, आप लोगों ने किसी भी टॉपर से नॉर्मली सुना होगा कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोगों ने आज तक उठाकर कोई किताब नहीं पढ़ी है, आप लोगों ने बेसिस तैयार नहीं किए, बस उठाकर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। देखिए थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है, हाँ, कि हम लोगों ने मतलब कुछ कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए, वरना क्वेश्चन पेपर उठाकर सर में दर्द हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश ये करो कि पहले अपनी एटलीस्ट मिनिमम जो बेयर रिक्वायरमेंट होती है कि एनसीईआरटी कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद में चीजें होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं कर रखा है तो देखिए कोई मतलब नहीं है पेपर देकर आने का, अपना कोशिश करो, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो अच्छे से। अगर आप लोगों ने एक बार एनसीईआरटी भी नहीं देखी है और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कुछ नहीं की है तो इसका कोई मतलब नहीं बैठता कि पेपर देकर देख लेते हैं। पुराने पेपर यार पता नहीं कब से यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, उठाओ और पुराने पेपर को देकर देख लो, तो उस तरीके से करना, ठीक है। पर लेकिन इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स जो है वो अभी अच्छे नहीं आ रहे तो आप लोग परेशान हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होना है। कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस आप लोग करती रहनी है और अपने पेपर को एनालाइज करते रहना है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, भले ही प्रैक्टिस पेपर में आप लोग इतने अच्छे मार्क्स ना आ रहे हो, अगर आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहोगे तो फाइनल जो पेपर होता है उसमें हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है वहां पर हम लोग बहुत सीरियस बैठकर बेसिकली पढ़ रहे होते हैं चीजों को, अगर प्रेशर में न आए तो। अगर प्रेशर में आ जाए तो फिर तो सब कुछ उड़ जाता है, पर लेकिन अगर प्रेशर में न आए तो बहुत काम आने वाला है। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही चीजों को लेकर चल रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअसली लगे रहो यार, यही तो जिंदगी है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस इंसान कर लेता है, उन्हें कहते हैं पसीना जितना ज्यादा बहा लिया उतना ही लड़ाई में खून कम बहेगा, तो वो वाली चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो बड़ा ही शानदार डिस्कशन होगा ये आप लोगों का, मेनली दो पार्ट में नहीं, आज मैं बोलूंगा तीन पार्ट में डिवाइड होगा। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, आज आप लोगों के एडिटोरियल भी कवर करूंगा, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला और न्यूज एनालिसिस वाला, तो सारी चीजें यहां पर कवर करूंगा। यानी कि कई सारे बच्चे बोले थे सर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी कवर कर लिया करो, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को मैं बीच बीच में कवर करता था, पर मैंने डिसाइड किया है अब प्रॉपर वे में, जैसे आप लोगों के एडिटोरियल में आप लोगों को दिखाता हूं, ऐसे ही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी मैं आप लोगों को दिखाया करूंगा, और देखा करेंगे कौन कौन से आर्टिकल यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, द हिंदू के द्वारा यहाँ पर एक ये बेसिकली सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें ये सेम पैटर्न फॉलो करता है जैसे इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हैं वहां पर एक्सप्लेन सीरीज के अंदर में, वही जो आप लोग रेगुलरली जैसे शाम को आप लोग देखते हैं ना, शाम को जो आप लोगों को वीडियो लेकर आता हूँ 8:30 बजे, उसमें मैं मैक्सिमम इंडियन एक्सप्रेस और PIB कवर करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जाते हैं, तो यहाँ पर ये वीडियो उसी पर डेडिकेटेड रहती है। पूरे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से स्टैटिक प्लस करंट कवर करता हूँ,
पर लेकिन जो ये वाली मॉर्निंग की वीडियो होती है इसमें पूरा हिंदू कवर करते हैं। अब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जो इनके द्वारा जो इंक्लूड किया गया उसमें जो भी इंपॉर्टेंट हुआ करेगा उस आर्टिकल को भी मैं कवर किया करूंगा, एक आप लोगों को जिस्ट मिल जाया करेगा अच्छा खासा। और आज का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट काफी बेहतरीन है क्योंकि एडिटोरियल तो पुराने ही चल रहे हैं जिसमें कई सारी चीजें जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो एक एक कर चीजें हम लोग यहां पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पर लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट जो बात है यहां पर अगर बात करें, यहां पर देख कई बार ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं सोसाइटी के अंदर में। मैं न्यूज पढ़ रहा था यहां पर, ये बेसिकली आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये एक न्यूज मेरे सामने निकल कर आई, एक वुमेन थी यानी कि एक महिला थी वो प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट मतलब प्रेग्नेंट एक तरीके से वो एक जो वुमेन थी वो मैंने कहते मिसकैरेज हो जाता है तो प्रेगनेंसी उसकी रुक नहीं पा रही थी। तो उसने क्या सोल्यूशन ढूंढा, उसने सोल्यूशन ढूंढा कि आसपास में जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वहां पर गई और एक बच्चे को उठा लाई वहां से जो कि 45 दिन का बच्चा था, यानी कि 45 दिन का एक बच्चा चुरा लिया उसने ताकि उसकी बच्चा एक उसके पास में होना चाहिए वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हालांकि ये एक अच्छी बात हुई कि यहां पर पुलिस वालों ने 3 घंटे के अंदर अंदर इस औरत को पकड़ लिया। तो यहां पर ये इस काम को जो अंजाम पहुंचाया गया यहां पर मिलकर इसके साथ में और भी इसकी जो सगी सहेली होंगी कोई, जैसे भावना यहां पर नाम है, रेखा, बबीता और एक इंसान भी था पवन, तो ये 4 ऐसे लोग थे जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। और जब पूछा गया ऐसी हरकत क्यों की तो इनके द्वारा बताया गया कि मिस कैरेज की जो दिक्कत है उससे ये पास्ट टाइम से जूझ रही है जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो ये इसकी वजह से इनके द्वारा लगा कि एक अच्छा सोल्यूशन है कि किसी का बच्चा चोरी कर लेते हैं। सोचकर देखो यार, एक माँ होती है जो बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है तो ये आसान काम नहीं होता है, ठीक है। और इस तरीके से चोरी कर लेना यार रियलिटी में मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि कितनी एक गिरी हुई हरकत आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो वास्तव में ये काफी मतलब रियलिटी में यार मतलब मुझे अंदर से फील हुआ ये बात, मैंने कहा ये देखो मतलब कहां तक इंसान गिरता हुआ जा रहा है, इसमें मतलब कितना गिरेगा और इंसान। तो ये इस आइडिया भी किसने दिया होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आइडिया भी कैसे आया किसी का बच्चा चोरी कर लेते हैं। तो ये वास्तव में यार बहुत ही एक मतलब घटिया किस्म की चीज है। तो एथिकल इशू, ऐसे बच्चे चोरी के कई बार आप लोगों ने देखा होगा, स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखी होगी, तो जो एथिक्स का पेपर होता है वहां पर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में एसपी हैं और वहां पर ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि बच्चे चोरी के कई सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से मोब लिंचिंग के बारे में डिस्कस किया था, साउथ इंडिया में बच्चे चोरी करने की कई सारी घटनाएं सामने निकल कर आई थी, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि उसके चलते मोब लिंचिंग भी देखने को मिली थी। मोब लिंचिंग मतलब भीड़ जो होती है जब मिलकर किसी की एक तरीके से जान ले लेती है उसको मोब लिंचिंग कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर ये इशू है, चलो अच्छी बात ये पकड़ लिया गया, पर लेकिन इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा थॉट जरूर देना, एक बैठकर सोचना जरूर हल्का से इसके बारे में, क्योंकि कई बार यहां पर ऐसी केस स्टडी बन जाती है आप लोगों के एथिक्स के पेपर के अंदर में, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी आप लोग कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी क्या बच्चे की ख्वाहिश में इतना भी इंसान क्या मतलब हो जाना यार, इतने सारे बच्चे आप लोगों को अनाथ देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाके किसी बच्चों को गोद ले लो ना, मतलब बच्चा चोरी करना तो ये एक नेक्स्ट लेवल की बदतमीजी आप लोग इसको बोल सकते हो। तो ये एक इशू था, इसके चलते बताने का पर्पज ये भी था, अपने बच्चों का भी आप लोग आसपास में ध्यान रखिए, ऐसी भी हरकतें इंसान कर रहे हैं आज के डेट में, तो ये बेसिक पर्पज था, ठीक है। और बाकी एक बहुत ही ज्यादा जो न्यूज में अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, द कश्मीर फाइल्स, ये एक ऐसी मूवी हो गई है जिसको IMDb के द्वारा 10/10 रेटिंग दी गई है। ये अपने ही आप में एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर ये, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि ये एक ऐसी मूवी है जो कि नॉर्मली ज्यादातर एडवर्टाइज नहीं की गई, इसको देखने के बाद में लोगों ने इसको एडवर्टाइज किया, यानी कि लोग देखने के बाद में अपनी फीलिंग व्यक्त कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो पंडित समुदाय था उसका एक्सोडस वहां से हुआ था, कैसे उनको मार मार कर वहां से भगाया गया था, ये इसके बारे में पूरी मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैंने अब तक मूवी नहीं देखी है पर लेकिन जिस तरीके से इसके रिव्यू रेगुलर यहाँ पर अभी आ रहे हैं, जिस तरीके से इसके बारे में बातें की जा रही है, तो मुझे लगता है कि कम से कम एक बार देखनी चाहिए। देखने के बाद में चीजों को समझना चाहिए कि इशू क्या क्या होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में यहां पर लग जाएं, पर हाँ पास्ट में क्या हुआ वो आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि एक तरीके से आप लोग चीजों से अवेयर रहें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिस तरीके से मूवी देखकर आ रहे हैं, मैंने देखा हॉल के अंदर भी मतलब नारे लगाए जा रहे हैं, वो मतलब वो सारी चीज सही नहीं है। हमारी सोसाइटी जो है, हमारा देश जो है, वो एक ऐसा देश है जहां पर एक मल्टी कल्चरल आप लोगों को देखने को मिलेगा, मल्टी लिंग्वल, मल्टी रिलीजियस हमारा एक ऐसा देश है, तो वहां पर वो चीजें तो नहीं होनी चाहिए। खैर की एक तरीके से जो चीजें चल रही है, पर हाँ मूवी जरूर देखनी चाहिए, पता जरूर होना चाहिए कि पास्ट में हिस्ट्री में क्या हुआ, जिस तरीके से चीजों के बारे में आप लोग अवेयर हैं, आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में। और अगर आप लोग देख कर आओ तो आप लोग भी बताना किस किस ने देखी है मूवी, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है यहाँ पर, जिसमें लिखा गया द स्टोरी ऑफ 32 ईयर ऑफ इनजस्टिस, ठीक है। तो इसके बारे में और कई सारी कंट्रोवर्सी और बन गई है, जैसे कपिल शर्मा के शो की लेकर वो सारी चीजें,
तो ये जैसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से, और अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं तो इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। फिर उस समुदाय से आते हैं जो आप लोग यहाँ पर उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में थे, आप लोग वहां से अपना घर छोड़कर गए, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक इश्यू देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये अवेयरनेस का देखिए ऐसी चीज है ना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 जब से हटा, जब से ये पर्टिकुलर रीजन न्यूज में है, फिर यहां पर इसको एक राज्य को चेंज कर हम लोगों ने यूटी बना दिया, तो फिर से ये आप लोगों को न्यूज में देखने को मिला और अब फिर से यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो इसलिए आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। और जो मैंने आप लोगों को कुछ डेटा बताया था, हमारे देश में टोटल मिलाकर आप लोगों को 6 माइनॉरिटी देखने को मिलेगी, 6 की 6 माइनॉरिटी के नाम लिखे कमेंट बॉक्स में, और उसके सामने आप लोगों को उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है, उसके कम कौन सी है, उसके कम कौन सी है, क्योंकि ये जो डेटा है इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। और एक और छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा, जब माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग, हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर में, तो फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं। ये फंडामेंटल राइट जो है आप लोग के आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के अंदर दो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये दोनों आर्टिकल जो है ये बेसिकली बात करते हैं माइनॉरिटीज के बारे में, माइनॉरिटीज के अधिकार के बारे में, उनकी कल्चर एक्टिविटीज के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस आप लोगों के हो जाते हैं, और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। बात की जा रही है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंदर में यहां पर सहकारी समितियां का प्रचार जो है वो यहां पर लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को बताना है। आर्टिकल 43B, आर्टिकल 44, आर्टिकल 19B या फिर आर्टिकल 21। तो सही आंसर क्या है यहां पर ये आप लोगों को बताना है। डिटेल में इसको वीडियो के एंड में मैं आप लोगों का पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा आप लोगों का कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ये भी बताइए कि फंडामेंटल राइट में कौन से फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ये भी आप लोगों को बताना है। यानी कि दोनों जगह ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, फंडामेंटल राइट के अंदर भी, इसी के साथ में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में चीजें बता ही दूंगा, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि यहां पर अगर फ्रंट पेज पर ही आप लोग जाएंगे तो यहां पर अभी रिसेंटली जो कांग्रेस के अंदर हहमागहमी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस की ज्यादा अच्छी हालत नहीं रही, जो चिंता शिविर करके यहां पर इनके द्वारा चीजें देखने को मिली, तो सोनिया गांधी को ही यहां पर चीफ जो है बना लिया गया, ठीक है। चलिए ये तो इनकी एक अंदर की चीज है, पर लेकिन यहां से टॉपिक जो आप लोगों का बनता है वो है डेमोक्रेसी इन पॉलिटिक्स। जब यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो जब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होगी तभी तो और लेवल पर डेमोक्रेसी आएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जैसे मान लीजिए आज के में आप लोग देखें जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके अंदर अगर नीचे लेवल का तबके का कोई, यहां पर एक नीचे लेवल का मतलब जो एक कार्यकर्ता होता है वो ऊपर तक पोस्ट तक अगर पहुंच गया, तो उसके अंदर थोड़ा आप लोग बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी है। पर लेकिन अगर ऊपर वाली पोस्ट पर यहां पर एक ही परिवार या फिर एक ही पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ही बैठे रहे तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। और जो खुद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहां पर फिर किस तरीके से देश के अंदर डेमोक्रेसी को मेंटेन रखा जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो हल्का सा है ये मत सोचेगा कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, एक टॉपिक है यहां पर डेमोक्रेसी जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो उसके चलते पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अभी आगे 2024 में क्या इलेक्शन चलने हैं उसके लिए एक तरीके से मुद्दा स्टार्ट हो गया है। अब ये वाला जो आर्टिकल है फ्रंट पेज पर दे रखा है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है अभी यहां पर इशू को देख रहे हैं कि कैसे यहां पर मिसाइल जो है वो पहुंच गई पाकिस्तान की साइड में, तो उसी के ऊपर यहां पर अभी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो यहां पर कई सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है वो भी मैं आप लोगों से कवर करूंगा। कल जो आप लोगों ने डिस्कशन सुना होगा वहां भी मैंने डिस्कस किया था, तो एक अच्छा रिविजन भी आप लोगों को हो जाएगा और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को चीजें जानने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको समझेंगे। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर में कि इंडिया के द्वारा रिलोकेट कर दी गई है अपनी एम्बेसी कहां पर, यूक्रेन से पोलैंड के अंदर में। तो मैप में देखना बनता है एक बार कहां पर एग्जैक्टली पोलैंड की लोकेशन, तो आप लोग यहां पर इसको देख पाएंगे, ठीक है। आसपास वाला रीजन अगर आप लोग देखेंगे यहां पर हो गया यूक्रेन, तो यूक्रेन से पोलैंड पहुंच गई हमारी एम्बेसी यूक्रेन से निकालकर, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या बन गई है, कंडीशन ये बन गई कि बम्बार्डमेंट जो है वो रशिया के द्वारा और अच्छे लेवल पर बढ़ा दी गई है। तो इसके ऊपर भी एक एडिटोरियल है, वो भी मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा कि अगर हम लोग आगे चलकर एक वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं तो क्या ये सही तरीके का डिसीजन ले रहे हैं हम लोग कि यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है वो हम लोग उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो उसके ऊपर भी कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा, आप लोगों से राय भी पूछूंगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, बस इतना काफी याद रखना, 35 लोगों की जान चली गई जब रशिया के द्वारा अटैक किया गया, तो उसके चलते यहां पर भी इश्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फ्रंट पेज की न्यूज है आप लोगों के सामने।
और एक यहाँ पर ये काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर जब मैंने इसको देखा। देखिए दीवारों के ऊपर ना अगर हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर जो हो गए उनके बारे में लिखें, या फिर प्रेजेंट टाइम पर अगर कोई अच्छे अच्छे काम कर रहा है, जैसे कि कोई किसी ने कोई अच्छी रिसर्च करी है, कोई ऐसा एक लीडर निकल कर आ रहा है देश के अंदर, उसके बारे में मेंशन करें तो कैसा रहेगा। जो नॉर्मली बीड़ी सिगरेट गुटखे पान मसालों के एडवर्टीजमेंट रहते हैं उनको बैन कर देना चाहिए, खासकर दीवारों पर जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं। यहाँ पर कम से कम ऐसी चीजें लिखी जाएं जिनको लोग देखकर पढ़ें, इनके बारे में समझें ये आप लोग की क्या राय है। अगर आप लोग कल को चलकर डीएम बनते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके की चीजें कुछ इंप्लीमेंट की जाए अवेयरनेस के लिए, या फिर स्कूल्स में तो कम से कम आप लोग चीजें इंप्लीमेंट करवा सकते हैं कि दीवारों पर इन सब चीजों के बारे में मेंशन किया जाए। खासकर स्कूल की दीवारों पर नॉर्मली आप लोगों ने चीजें देखी भी होगी, तो ये एक अच्छा तरीका होता है सोसाइटी को एक पॉजिटिव थॉट में इंक्लूड करने का। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। देखिए मेरी राय से सहमत होने की बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप लोगों को जो मैं बोलूं आप लोग मेरी राय से हमेशा सहमत रहो, ठीक है। आप लोग अपनी भी राय रख सकते हैं जो भी आप लोगों को लगे, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर कह लीजिए। अब ये तो कुछ मैंने कुछ छोटे छोटे आर्टिकल देख लिए जो कि फ्रंट पेज पर या इक्का दुक्का इधर उधर थे। अब यहाँ पर एडिटोरियल के ऊपर यहाँ पर चलते हैं। ये एडिटोरियल पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मिसाइल जो है वो गलती से चलेगी उसी के बारे में है। हालांकि ये एक युद्ध का रूप ले सकता था, पर दोनों के द्वारा एक शानदार लेवल की मैच्योरिटी दिखाई गई जिसमें इशू जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ा, तो ये बातें बोल सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान अभी भी उसको इशू को बढ़ा रहा है हल्का सा, पर हाँ वो लेवल नहीं हुआ जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो हो सकता था। तो जानेंगे इसके साथ में पूरा आर्टिकल, इसको थोड़ा सा एंड में डिस्कस करूंगा क्योंकि कल भी मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। पहले वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो मैंने अब तक डिस्कस नहीं किया, ठीक है। जैसे कि अभी अगर बात करूंगा तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। यहां पर ये आर्टिकल होगा यूक्रेन के बारे में। आर्टिकल वैसे बहुत सारे डिस्कस कर चुका हूं पर इसमें कुछ डिफरेंट एंगल है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो मैं बताऊंगा उसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझेंगे, ये बेसिकली पॉलिटिकल आर्टिकल है, इलेक्शन हुए तो उसके चलते हैं, इसको आप लोग एक तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो आर्टिकल है साइड में ये तमिलनाडु के अंदर, अभी यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि अगर लड़का और लड़की अलग अलग जात के हैं और वो भागकर शादी कर लेते हैं तो कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, पर लेकिन अगर यहाँ पर एक तरीके से ऊंच नीच जात की बात आती है तो कई बार उनकी डेथ भी एक तरीके से हो जाती है। तो ये कंडीशन नॉर्मली हरियाणा में आप लोगों ने काफी देखी होगी, ठीक है, कि एक तरीके से खा पंचायत बैठी और वो सब इशू आप लोगों ने सुने होंगे। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा इशू देखने को मिला है तमिलनाडु में, पर वो थोड़ा डिफरेंट एंगल है वहां पर, और वो डिफरेंट एंगल क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी साइड वाला ये पूरा इलेक्शन के बारे में है। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानेंगे। कोविड 19 के बारे में एक डिफरेंट आर्टिकल है थोड़ा सा, कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यहाँ पर टैक्स पे करने से इंसान जो है वो क्यों बचता है, यानी कि आज देखेंगे टैक्स पे करने के बारे में जब बातें आए तो क्यों इंसान जो है वो टैक्स पे करने के लिए राजी नहीं होता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो छोटा सा आर्टिकल है, इसी से यहाँ पर आप लोगों को एक ओवरव्यू पहले आप लोगों को मैं दे देता हूँ। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा जैसे टैक्स पे करने की बात आती है तो यहाँ पर एक जिस्ट भी ये देते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा क्या है, यहाँ पर जो ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है इसमें एक जिस्ट देते हैं, तो पूरे एक आर्टिकल का ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं जिसके चलते आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे अच्छे से। तो वही बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली मुद्दा यह है कि आज की डेट में यहाँ पर यूएसए के अंदर में एक स्टडी कराई गई लगभग 2000 के करीब लोगों के ऊपर में। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि आप लोग टैक्स जो है वो पे करते हैं, उन्होंने बोला जी हाँ टैक्स पे किया जा रहा है। तो टैक्स पे करने से कई सारे लोग जो है वो रिलेक्टेंट रहते हैं। वर्ड यूज कहते हैं रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से उस काम को करने में उनकी इच्छा नहीं रहती है। आखिर क्यों वो रिलेक्टेंट रहते हैं, वो रिलेक्टेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि जो ये टैक्स पे कर रहे हैं उनको टैक्स का पता ही नहीं है कि कहां पर उसका यूज किया जा रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं कल को टैक्स पे करता हूं, मैंने 20,000 रुपए टैक्स पे किया, अगर मैंने 20,000 रुपए टैक्स पे किया तो क्या ये मेरा पैसा कहां पर यूज हो रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा यार मेरा पैसा जो है वहां पर यूज हो गया। यानी कि एक तरीके से टैक्स पेयर को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उसके पैसे को कहां पर यूटिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पैसा चला गया और पता ही नहीं है कहां पर यूटिलाइज हो रहा है, तो इसके चलते लोग जो है वो टैक्स देना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिला रही है। तो इसके चलते यहां पर ये रहता है कि एक तरीके से ऐसा नहीं है कि लोग टैक्स देना ही पसंद नहीं करते हैं, पर लेकिन यहां पर इंक्रीज किया जाए उनके टैक्स की मनी को कहां पर यूज किया जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर अगर सिटीजन को मिले कि हाँ यहां यहां पर पैसा यूज किया जा रहा है तो ये कैसा रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। लोग जैसे आज के डेट में अगर मैं बोलूं कि आप लोग जैसे पैसे अगर आप लोग इकट्ठा करो पैसे और हम लोग बुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप लोगों की किताब जो है वो किस पर्सन के पास में जा रही है, तो यहां पर अगर उसकी अगले दिन पिक्चर भी दिखाओ, मैंने कहा इस इंसान के पास में ये किताब पहुंची है, वो अपनी पिक्चर क्लिक करके सेंड करे, तो इससे क्या रहेगा कि हाँ पैसा जो है वो सही जगह यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इससे लोग जो है जब एक तरीके से नहीं एक
जो यहाँ पर आप लोगों को देखने में ट्रांसपेरेंसी आती है, तो लोग जो है और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। सेम कंडीशन पीएम केयर में हम लोगों ने पैसा दिया, उसमें काफी ज्यादा एक तरीके से इशू देखने को मिला। जब पूछा गया ये तो बता दो पैसा कितना इकट्ठा हो गया, तो उसमें पैसा बताया ही नहीं गया। पीएम केयर में लोगों ने आरटीआई डाल डालकर परेशान हो गए। उस टाइम पर लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों ने पैसा दिया जो ढंग से पैसा भी नहीं कमा रहे थे, ठीक है। एसएलवी फैमिली ने बहुतों ने पैसा दिया, इवन मैंने भी बहुत उसमें मतलब एक तरीके से एक अपना जो एक प्रॉपर मंथ का जो एक पैकेज होता है उसमें बेसिकली मैंने भी लगभग इतना पैसा उसमें दिया था उस टाइम पर। तो ये सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि इंसान जो है वो करना तो चाहता है, पर लेकिन रियलिटी में जब उसको रिजल्ट निकलता है तो उसको देखकर वो बेसिकली सहम जाता है। तो टैक्स जो होता है वो यहां पर बेसिकली लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये छोटा सा आप लोग एक टॉपिक आप लोग याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। देखिए हमारी कंट्री में अगर बात करें, अगर मोस्टली आप लोग देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो काफी बड़ा पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, जबकि जो प्रोग्रेसिव कंट्री अमीर देश जो है जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया वहां पर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है। रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स ना चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो सब पर इक्वल लगता है। जैसे कि आज के में आप लोग मार्केट से अगर कोई भी सामान खरीदते हैं, एक पेन खरीद कर लेकर आते हैं, कॉपी खरीद कर लेकर आते हैं, मोबाइल या फिर आप लोग साइकिल खरीद कर लेकर आते हैं, तो अगर कोई साइकिल एक प्रोडक्ट आप लोग खरीद रहे हैं, अब अमीर खरीद रहा है या फिर गरीब खरीद रहा है, वो टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा इक्वल। तो इसलिए यहां पर बोला जाता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स वाला ये अमीरी गरीबी नहीं देखता है, तो सब पर इक्वल लगता है, तो इसको इसलिए रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, यानी कि ये एक साथ में सबको एक ही तराजू में तोल देता है रखकर। तो ये टैक्स जो है वो कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जैसे इनकम टैक्स आप लोग लगाओ, अब मान लीजिए किसी इंसान की इनकम है 50,000 रुपए, किसी इंसान की इनकम है यहाँ पर 60,000, किसी की है यहाँ पर 1,00,000, किसी की है 5,00,000, तो अलग अलग इनकम वालों पर अलग अलग टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एक प्रोग्रेसिव तरीके का टैक्स हो गया यहाँ पर, यानी कि एक ऐसा टैक्स जो कि अमीरों पर ज्यादा है और गरीबों पर कम लग रहा है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर मुद्दा होना चाहिए, हमारी कंट्री में ये भी एक रीजन है, लोग जो है प्रॉपर टैक्स पे नहीं करते हैं और हमारी कंट्री में टैक्स की काला बाजारी है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जो स्टडी यूएसए के अंदर में की गई है उस स्टडी को हम लोग इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इन चीजों को सही लेवल पर लेकर चल सकते हैं। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बताने की कोशिश की गई है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो यूएसए में यहां पर तो एक तरीके से यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि टैक्स के लेकर रिलेक्टेंसी क्या है, तो उनके द्वारा बोला गया कि किस तरीके से टैक्स आखिर क्यों पे करना है, ठीक है। तो हमारे डॉलर कहां जाते हैं, तो ये बोला गया कि वेयर डू माई टैक्स डॉलर गो, ठीक है। तो यानी कि हमारे टैक्स की मनी जाती कहां है ये तो बता दो हम लोग को, तो ये पता होना चाहिए। आप लोग की क्या राय इसके बारे में, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। और अगर लेक्चर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने के आप लोगों के पास में तीन तरीके हैं, पहला आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को, दूसरा डिसलाइक कर सकते हैं, और तीसरा कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताया कीजिए, अगर आप लोगों को जैसा भी कुछ लगता है वीडियो के बारे में, जो भी भावनाएं आप लोगों के मन में आती है देखने के बाद में, बताएं एक तरीके से अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या फिर न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल हुआ करो तो लिख दिया करो, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो गुड लिख दिया करो, और बुरा लग रहा है तो बैड लिख दिया करो, ठीक है। तो ये भी तरीके हो सकते हैं आप लोगों के फीडबैक देने के, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा आर्टिकल था यहाँ पर जो कि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एक जो नेक्स्ट आर्टिकल अभी आप लोगों के सामने में डिस्कस करने वाला हूं वो एक थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल है, और COVID-19 के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर भी करके चलेगा। ये क्या बोला गया है, अभी COVID-19 के चलते कई सारे जेनेटिक जो वेरिएंट है वो सामने निकलकर यहां पर आ रहे हैं, तो उसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। तो यहां पर एक स्टडी की गई है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उस स्टडी के नाम भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा, उससे आप लोग चीजों को समझ भी पाएंगे। पहले आप लोग यहां पर आप लोगों ने ये देखा होगा, मैंने कईयों बार आप लोगों को ये पढ़ाया कि हाँ COVID-19 के नए नए वेरिएंट निकल कर आए। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि COVID-19 के नए नए बच्चे मार्केट में आ गए। मतलब यहां पर ये COVID-19 जो है वो अपना रंग रूप बदल बदल कर फिर से मार्केट में आ रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो उसी के बारे में यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से अपने आप को कनेक्ट भी कर पाएंगे और चीजें आप लोगों को आइडिया भी रख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें, जैसे यहाँ पर ये जो वेरिएंट है ये अलग अलग रीजन में देखने को मिले, जैसे अल्फा जो था यूके में था, बीटा जो था साउथ अफ्रीका में था, गामा जो था ब्राजील में था, डेल्टा इंडिया में था, और कप्पा तो ये आप लोगों को देखने को मिला इंडिया के अंदर। तो ये यहां से निकल कर आए, तो अलग अलग कंट्री से अलग अलग वेरिएंट यहां पर निकल कर आए। ये जो वेरिएंट थे ये इतने लार्ज स्केल पर हो गए कि कोई तो जान ले रहा है इंसान की, और कोई जो है बेसिकली कम बीमार कर रहा है। ऐसे ऐसे जब यहां पर स्टडी की गई साइंटिस्ट के द्वारा, तो साइंटिस्ट के द्वारा अब यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात ये बोलेगी कि जो ये वेरिएंट निकल निकल कर यहां पर आ रहे हैं, ये ऐसे लगभग नए और वेरिएंट आइडेंटिफाई किए गए हैं, लगभग 16 के करीब नए वेरिएंट। यानी कि ये जो स्टडी की गई है, ये स्टडी किसके द्वारा की गई है,
ये आप लोगों को बता होना चाहिए, GEGENOMICC। तो क्या है यहां पर, ये एक तरीका साइंटिस्ट का ग्रुप है जिसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली जेनेटिक ऑफ मोर्टेलिटी इन इन जो एक क्रिटिकल केयर, यानी कि जब कोई क्रिटिकल केयर होती है उसमें जो जेनेटिक होती है, जो जेनेटिक्स होती है उसके वजह से क्या मोर्टेलिटी हो रही है, यानी कि कितने लोगों की जान जा रही है। तो ये जो साइंटिस्ट थे यहां पर यूके के, उनके द्वारा मिलकर काम किया गया। तो कई सारे डॉक्टर्स और कई सारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा मिलकर एक स्टडी यहां पर की गई। तो उसमें पता चला कि 16th न्यू वेरिएंट अभी सामने निकल कर आ रहे हैं कोविड-19 के, जो कि काफी सीवियर तरीके से आप लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहां पर स्टडी की गई इनके द्वारा। और इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा उसको सीरियस भी लेने की कोशिश कीजिएगा। ये आज से स्टडी नहीं चल रही है, इससे पहले आप लोगों को यहां पर और भी कुछ चीजें देखने को मिली थी जिसमें इन्होंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी, और ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। याद रखिएगा कोविड-19 जो अभी आप लोग वर्ड यूज करते हैं SARS-CoV-2, तो सीवियर एक्यूट जो रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है यहां पर ये 2 नंबर का है। क्यों? क्योंकि इससे पहले यहां पर SARS-CoV आ चुका था, ठीक है, SARS, तो इसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये वायरस का नाम है, बीमारी का नाम क्या है, बीमारी का नाम है कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 बीमारी का नाम है, SARS-CoV-2 जो है वो वायरस का नाम आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो वायरस है यहां पर ये पहली बार आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, इससे पहले ऑलरेडी यहां पर चाइना में 2002 में आया था ये, और इसने लगभग 30 कंट्री में अपने आप को प्रेजेंस किया था और लगभग 8-9 हजार के करीब लोगों की जान भी गई थी उस टाइम पर, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। फिर कौन आया, फिर आ गया मीरस, यानी कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 2012 में आया जिसने लगभग यहां पर 27 कंट्री में फैला और 2500 के करीब लोगों की जान भी गई। तो इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट की गई थी इस ग्रुप के द्वारा, जो कि मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, इस ग्रुप ने स्टडी करना स्टार्ट किया यहां पर, जिसका नाम है यहां पर GENOMICC। तो ये प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट किया गया यूके के साइंटिस्ट के द्वारा, और इसमें देखा गया 2015 से कि यहां पर आज की डेट में जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक अलग तरीका पैटर्न हमारी बॉडी के अंदर चेंज करते हुए जा रहे हैं। अब वो अलग तरीका पैटर्न क्या है, इनके द्वारा यहां पर कई सारे लोगों से यहां पर जीनोमिक जो है ये इकट्ठे किए गए, यानी कि एक तरीके से डेटा इकट्ठा किया गया, लगभग 7491 जो यहां पर क्रिटिकल पेशेंट थे उनसे यहां पर इन्होंने डेटा लिया और फिर उस डेटा की स्टडी की गई। कई सारे लोगों में सिम्टम्स इनके द्वारा चेक किए गए तो यहां पर एक अजीब सी चीजें देखने को मिली। वो अजीब सी चीजें क्या थी, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई बीमारी आती है और वो बीमारी आकर चली जाती है समझ में आता है, पर लेकिन जो 16 नए वेरिएंट यहां पर निकल कर आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग बीमारी इंसान की बॉडी के अंदर अभी यहां पर एक तरीके से इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं और अलग अलग बीमारी को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि बोला गया कि फिलहाल के टाइम पर जो ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग काफी लार्ज स्केल पर बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है यहां पर कोविड-19 के चलते। जिस भी इंसान की बॉडी में यहां पर इनमें से कोई वेरिएंट होगा उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है जो कि बीमारी से लड़ने में काम करते हैं, तो इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी में सूजन आना, तो जगह जगह लेवल पर जो सूजन आने की जो टेंडेंसी है वो अभी यहां पर बढ़ती जा रही है, और क्लोटिंग के लिए यहां पर काफी ज्यादा फैक्टर यहां पर जो देखने को मिल रहा है, ये बोला जा रहा है कि इसका अल्फा-10 जो इसका वेरिएंट है वो यहां पर निकल कर आ रहा है, जो क्लोटिंग में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है कोविड-19 के। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि आज की डेट में अगर बात करें तो सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ तो अपनी खुद से बीमार कर रहा है, दूसरी बीमारियों को भी बढ़ाने का काम कर रहा है कोविड-19। तो ये स्टडी यहां पर निकल कर आई, तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि जो ये स्टडी यहां पर निकल कर आ रही है इससे पता चल पाएगा आगे क्या क्या और इश्यूज बन सकते हैं, अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो उसका इलाज कैसे निकालना है, तो उसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा। काफी देर से मैंने एक शब्द यूज किया यहां पर वेरिएंट, आप लोग म्यूटेशन वगैरह ये सारे शब्द सुन रहे हैं तो इनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, एक तो होते हैं यहां पर ये स्टैटिक पोर्शन है सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक को बोलते हैं यहां पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरे को बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जिसके बारे में हम लोग को जानना है, ट्रांसमिशन हो रहा है डिजीज और इम्यून सिस्टम से एस्केप हो गया, इनके बच गए, इम्यून सिस्टम के साथ में लड़कर नहीं गया, एक तरीके से इम्यून सिस्टम को हरा चुका है, ठीक है, या फिर उससे बच चुका है। तो यहां पर हम लोग इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लोअर लेवल कंसर्न होता है, पर लेकिन जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो हाई लेवल हो गया, जैसे अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या हो गया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो एक महामारी में कन्वर्ट हो जाता है, जो ये सारी चीजें हाई बढ़ जाती है और जो प्रेजेंट टाइम पर जो दवाई अवेलेबल है वो ढंग से काम नहीं कर पाती है, उससे भी बचने की कोशिश करते हैं, उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं।
आखिर ये होता कैसे? देखिए अपना नेचर चेंज करता है कोई भी वायरस। वायरल बीमारी क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि वो अपना नेचर चेंज करती है। एक नेचर जो पहला था उसमें फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए जो एड्स की जो दवाइयां हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, लंबे समय तक भी यहां पर कोई वायरस टिका रहता है। क्योंकि आज ऐसा है, ठीक है, कल को वेरियंट ऐसा हो जाएगा, परसों को यहां पर न्यू स्ट्रेन बन जाएगी इसकी। तो अपना नेचर ये चेंज करता रहता है। ऐसे ही चेंज कर 16 तरीके के इसने अपने क्राइटेरिया बना लिए हैं जो कि COVID-19 है। तो इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इनका नेचर जो चेंज होता रहता है, इनका जो आरएनए जो बेसिकली इनका जो म्यूटेशन होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये अपनी खुद की कॉपी बनाता रहता है। और जो पहली कॉपी होती है उससे जब दूसरी कॉपी बनती है तो उनमें डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। और जैसे जब भी मैं COVID-19 के बारे में बताता हूँ, एक किताब आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस, ये परने लाल साहब के द्वारा किताब लिखी गई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों को बन सकता है इस बुक के बारे में। तो ये बुक के बारे में आप लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर रखिएगा, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में यहाँ पर इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी कि क्या यहाँ पर म्यूटेशन होता है, क्या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसी के साथ में और जो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इससे फायदा क्या होगा, आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान ज्यादा रख पाओगे। तो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग को याद रखना है। और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनके आंसर आप लोग जरूर दिया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। इसके चलते फिर मेरा भी और ज्यादा मन करता है कि चीजों को और डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। एक और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये है ISS के बारे में। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये टेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। अब यहाँ पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, उसके बारे में जो आर्टिकल है उसको हम लोग समझेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये कैसा होता है, अगर आप लोगों को बोला जाए एक बार के लिए तो आप लोग उसको समझ पाएंगे कि एक ऐसा लगभग एक पूरा घर होता है जो स्पेस में तैर रहा होता है, यानी कि एक पूरा का पूरा मकान। आप लोग इसको लगभग नहीं बोलते, कई बार कि कितना बड़ा मकान होगा अगर आप लोग एक अंदाजा लगाए तो इसको नहीं, ये बोला जाता है कि लगभग अगर बोला जाए तो एक छोटा सा ना एक तरीके 2 या 3 BHK का एक जो मकान होता है उतना लगभग एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि इतना बड़ा एक सिस्टम जो है वो आसमान में तैर रहा है। सो अगर उसको सोचो एक मिनट के लिए, अगर उसको ऊपर से गिराया जाए और वो किसी घर के ऊपर किसी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, तो गिर जाए तो क्या कंडीशन होगी, कितने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोग बोलोगे सर सुबह सुबह क्या दिमाग खराब हो गया, भांग खा गया होगा कि गिराने की बात कर रहे हो उसको। मैं नहीं कर रहा हूं गिराने की बात, इसको बेसिकली रशिया ने गिराने की बात की। जब USA ने सैंक्शन लगाने की बात की तो रशिया ने बोला कि वो इसको गिरा देगा, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बताता हूं ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ अच्छे लेवल पर। सबसे पहले यहां पर जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया तो ये किसी एक के बस की काम नहीं था, इसलिए यहां पर USA की नासा, रूस कोस्मोस, रशिया, JAXA जापान, ESA यूरोपियन यूनियन यूरोपियन स्पेस एजेंसी और CSA कनाडा स्पेस एजेंसी, 5 पांडवों के द्वारा मिलकर यहां पर ये पूरा काम किया गया। अब पांचों के पांचों पांडव आप लोगों ने पता है, जैसे जो भीम था वो एक तरीके से गदाधारी भीम बोलते हैं, ठीक है, अर्जुन जो था वो धनुष चलाने वाला, तो सबके अलग अलग टैलेंट थे अपने। इसी तरीके से इस स्पेस स्टेशन को कंट्रोल करने के सबके अपने अपने टैलेंट है, यानी कि सब अपने अपने हिसाब से जो एक अलग अलग काम को डिवाइड कर लिया है कि तुम ये काम करोगे तुम ये काम करोगे, तो सबके अलग अलग काम है। तो सबके काम तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो न्यूज में है उसको डिस्कस करेंगे, और वो है रशिया। रशिया क्या काम करता है, ये एक तरीके से इसका जो पाथ होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो ये घूमता है अपनी कक्षा में उसको कंट्रोल करता है पहला, और दूसरा अगर धरती पे से किसी को लेकर जाना है इसके अंदर में और उसको फिर से धरती पर लाकर छोड़ना है वो वाला काम भी रशिया के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि यहां पर जो ये कौन कौन है इसमें, USA हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, इसी के साथ में रशिया हो गया, ठीक है, इसके अंदर चाइना नहीं है ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, और यूरोपियन एजेंसी हो गया यहां पर, वो मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कंडीशन है वो यहां पर ये है, जिसको आप लोग समझ सकते हैं ताकि चीजें जिस तरीके से लेकर चलनी है वो। और हाँ जापान तो रह गया, एक सेकंड, अरे ये वाला तो जापान है, ठीक है। तो यहां पर मुद्दा ये रहता है कि सबको अलग अलग जो काम दिया गया, तो अभी यहां पर जो रशिया का काम था मैंने आप लोगों को बताया, तो रशिया यहां पर लाने और ले जाने का काम करता है। पहले पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर रशिया की रहा करते थे, पर लेकिन अभी यहां पर SpaceX आ गया मार्केट के अंदर में, तो ये ऐसे ऐसे यहां पर अभी जो चीजें आ गई अब यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट में, इसके चलते अभी यहां पर रशिया के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी इसको लेकर नहीं रही है, ठीक है। तो इसके चलते बात की गई, तो जब सैंक्शन की बात की गई तो रशिया ने बोला कि वो इसको गिरा देगा क्योंकि अभी उसके हाथ में है कि कहां कहां पर इसको लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि ये जो घूमता है ये इक्वेटर के लगभग ऊपर देखने को मिलेगा, तो रशिया के ऊपर नहीं गिरने वाला है, अगर गिरेगा तो कहीं भी गिरेगा। और फिर बोला गया कि अगर मैं इसको गिरा दूंगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी USA की, क्योंकि तुमने बदतमीजी काटी इसलिए हम लोगों ने ये स्टेप उठाया। तो ऐसी बातें यहां पर बोली गई, ठीक है। आप लोग बोलोगे पृथ्वी से लगभग कितने ऊपर है, आप लोगों को अगर ये देखा जाए यहां से, अगर इसको हम लोग नापने बैठे
तो ये लगभग 408 किलोमीटर की आप लोगों को ऑर्बिट हाइट इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसकी स्पीड है जिसमें ये घूम रहा है, तो यहां पर ये लगभग 7.66 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां पर घूम रहा है। मैक्सिमम स्पीड यहां पर 28,000 किलोमीटर पर आर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। लॉन्च किया गया था इसको 1998 यानी कि 1988 में, सॉरी 1998 में, 1998। इसकी जो लेंथ है ये लगभग 73 मीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसका जो वेट है ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर 4,44,615 किलोग्राम, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक सिस्टम घूम रहा है। इसमें क्या रहता है, इसमें अगर कल को चलकर आप लोगों को स्पेस में लोगों को भेजना है, चांद पर भेज दिया, मंगल ग्रह पर भेज दिया, तो यहां पर लोगों को रखकर तैयारी की जाती है ताकि आगे लेकर उनको दूसरे ग्रह पर, दूसरे प्लैनेट पर ले जाया जा सके। तो ये तैयारी होती है, यानी कि टेस्ट सीरीज है और ये सिलेबस है, बेसिकली जो सिलेबस और टेस्ट सीरीज और पुराने क्वेश्चन पेपर है ना, जिनको प्रैक्टिस कर आप लोग एग्जाम में जाकर बैठते हो, तो ये वही है। तो ये एक तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो बेसिक चीजें, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ताकि एक एक पॉइंट क्लियर रहे। तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में आ गए। तो ये बैकग्राउंड बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर होती है, क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। हमारी कंट्री इस पर काम कर रही है और एक मिशन है जिसका नाम है मिशन क्या है, गगनयान। वो कौन सी कंट्री के साथ मिलकर हम लोग मिशन गगनयान अपना प्लान कर रहे हैं, तो जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी है। तो हम लोग भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे हैं और चाइना ऑलरेडी अपना काम कर चुका है, तो उसके बारे में यहां पर ये न्यूज है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, और अच्छे आर्टिकल थे यहां पर। अब यहां पर जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो है एडिटोरियल के बारे में। तो यहां पर एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा उसका, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए। तो जो रसिया वाला आर्टिकल है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं, हालांकि चीजें जो हैं वो कई सारी आप लोगों को पता है, पर फिर भी कुछ चीजें आप लोग और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे उसमें क्या क्या बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। रसिया को पहले अगर आप लोग मैप में देखोगे तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे और अच्छे लेवल पर, तो इसलिए मैप दिखाकर हम लोग एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखें, रसिया जो है ये एक काफी बड़ी कंट्री है जो कि एक यूरेशियन कंट्री है, यानी कि यूरोप और एशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसको यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। ऐसी कंट्री तुर्की भी है, कुछ पोर्शन इसका एशिया में है और कुछ यूरोप में है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि याद रखेगा। जब से रसिया ने यहां पर यूक्रेन को इन्वेड किया, यानी कि यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तब से लेके अब तक का कई बार यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में वोटिंग हो चुकी है। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, ठीक है, यूएन असेंबली में वोटिंग हुई, ठीक है, यूएन के जो ह्यूमन राइट जो इश्यूज हैं उसके ऊपर वोटिंग हुई, इंडिया ने सब इश्यू पर यहां पर एब्सटेन किया। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर आज की डेट में इंडिया जो है इन इश्यू पर एब्सटेन कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने रहें, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री था और रसिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, और रसिया ने यूक्रेन को एक तरीके से इन्वेड कर दिया, तो एक डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया रसिया ने, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से वॉयलेशन हो गया जो कि यूक्रेन के राइट का अभी रसिया के द्वारा किया गया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो राइटर का यह मानना है कि क्या हम लोग को रसिया को सपोर्ट करना चाहिए यहां पर, अगर देखा जाए। हाँ, ये अलग बात है कि रसिया हमको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है डिफेंस के मामले में, रसिया हमारे साथ में हर टाइम खड़ा रहता है, पर लेकिन अगर सामने वाला इतनी बदतमीजी कर दे कि वो रुकने के लिए तैयार नहीं है, सामने वाली कंट्री को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए तैयार है, फिर भी क्या हमारे ये सही स्टैंड है? हम लोग यूएन के अंदर में बार बार एब्सटेन कर रहे हैं, तो क्या इसके बारे में हम लोग को फिर से नहीं सोचना चाहिए? तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग को क्लियर रखना चाहिए कि हम लोग किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, अगर कल को चलकर चाइना जो है वो सेम कंडीशन करने लगे, चाइना ताइवान के ऊपर कुछ ऐसी हरकतें करने लगे, तो इसी के साथ में चाइना कल को चलकर हमारा और पोर्शन यहां पर हड़पने लगे, तो चाइना भी एक ऐसी कंट्री है जैसा रसिया है, क्योंकि वहां पर भी एक ऐसा लीडर बैठा है जैसे चाइना में बैठा हुआ है, दोनों की इसीलिए घुलती मिलती है। तो कल को चलकर अगर ऐसा इशू बन जाए तो आप लोग उसको कैसे टैकल करोगे? हम लोग काफी ज्यादा डिपेंडेंट है सोवियत यूनियन के ऊपर, वो हम लोग मानते हैं, पर लेकिन पुराने टाइम की चीजें हम लोग याद रखे हुए हैं। अब पैटर्न चेंज हो चुका है, आज की डेट में रसिया भी कहीं ना कहीं कई बार देखा होगा पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था पीछे से, ठीक है, जब हम लोग यूएसए के खेमे में जाकर बैठ रहे थे। तो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, तो हम लोग को अपना भी नेचर चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पुरानी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रेजेंट टाइम पर उसकी सारी की सारी गलतियां जो है माफ कर दिए। ठीक है, तुम्हारा प्यार है, पर लेकिन बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी कि गलतियां सारी माफ कर दो आप लोग, क्योंकि रिपीटेडली वो यहां पर काम किया जा रहा है, कितना बुरी कंडीशन यूक्रेन के अंदर कर दिए, तो वो सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। और वो भी यहां पर एक किसी इशू को लेकर कि हां वो नेटो ज्वाइन करने वाले हैं उसको लेकर। तो यहां पर ये हमारे इंटरनल जो अफेयर है, इंटरनेशनल जो अफेयर है, उसमें हम लोग किसी चीजों को लेकर चल रहे हैं, हम लोग को चेक करना पड़ेगा इसको, क्योंकि कल को चलकर चाइना सेम हरकतें कर सकते हैं अलग अलग रीजन में। वैसे तो हम लोग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, पर लेकिन ये चीजें किताबों में ही अच्छी लगती है। काश्मीर के मुद्दे पर अगर बात करें, हमको रशिया ने सपोर्ट किया 1947 में,
पर लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को फ्रांस भी देखने को मिल जाता है आप लोगों के सपोर्ट में कई बार, ठीक है, और भी कई सारी कंट्री है, तो अभी ऐसा नहीं कि रशिया ही बस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक संसार है, पर लेकिन क्या हम लोग वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? इनके द्वारा दो उदाहरण दिए गए, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दिया गया, पंचशील का जो कॉन्सेप्ट उनके द्वारा फॉलो किया गया था, समझ में आता है। अभी जो प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी एक नारा इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, तो क्या रियलिटी में हम लोग विश्व गुरु की तरीके से काम करें? एक विश्व गुरु यानी कि वर्ल्ड टीचर, तो टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है कि रेस्पेक्ट करे एक तरीके से, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है एक तरीके से, ठीक है, एक ग्रांट करे, रेस्पेक्ट करे, एक ट्रुथ के फेवर में काम करे, यानी कि हम लोग एक टीचर की बारे में बात करें कि विश्व गुरु बनेंगे, पर लेकिन एक टीचर वाली बातें नहीं है। ठीक है, टीचर क्या होता है? टीचर एक राह दिखाता है, शांति का प्रतीक होता है टीचर, दूसरों को गाइड करने का काम करता है, पर लेकिन हमारे पास में जब ये बातें आ रही है तो हम लोग उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं जो कि सही नहीं है। तो रशिया जिस तरीके से यहां पर स्टेप उठा रहा है, सही है, स्टार्टिंग में सपोर्ट कर दिया, लग रहा था कि चीजें जल्दी निपट जाएगी। पिछले कई हफ्तों से वार चल रही है और अब तक हम लोग कंटिन्यूअसली रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ भी कर रहा है, हर एक लेवल पर हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कल को चलकर अगर इंडिया और चाइना के बीच में कुछ हो गया तो रशिया आप लोगों को न्यूट्रल खड़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि रशिया बहुत हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है आज के में। तो इस तरीके से यहां पर चाइना और रशिया एक ही खेमे के थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम लोगों को यहां पर सोचकर समझना चाहिए, ठीक है। तो देखिए राइटर जो है वो अपनी जगह अलग बातें बोल रहे हैं। बात करें यहां पर अगर यूक्रेन के बारे में, अगर हिटलर ने जब इन्वेड किया था पोलैंड को तो उसके बारे में बात की जा रही, तो ऐसी हिस्ट्री आप लोगों को फ्यूचर में रिपीट होती नजर आ सकती है। तो ये कई सारी बातें हैं, इनके मुझे थोड़ा सा ये लगा कि राइटर जो है वो थोड़ा सा ना अपोजिट में चीजें ज्यादा लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कल को चलकर रशिया के फेवर अपोजिट में हम लोगों ने वोट डाल दिए, ठीक है, तो उससे हमारा क्या फायदा होने वाला है? हम एब्सटेन कर रहे हैं एक तरीके से, हम किसी के फेवर में नहीं डाल रहे हैं, वो अलग बात है कि आप लोग उसको देख रहे हैं कि रशिया के फेवर हो गया, पर लेकिन रियलिटी में हम लोगों को भी चीजें लेकर चलनी पड़ेगी, काफी हद तक एक बैलेंस चीजें लेकर चलनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं कि राइटर का बस एक व्यू आप लोगों को नहीं देखना है, अपनी साइड में भी आप लोगों को बैलेंस बनाना है। राइटर ने तो पूरा उठाकर अपोजिट में लिख दिया कि विश्व गुरु है फलां ढिमकाना, वो सही है अपनी जगह, पर लेकिन देखो भी तो सही कि सिचुएशन क्या बन रही है। यूएसए के फेवर में जाकर वोट डाल दें कि यूएसए जैसी हरकतें कर रहा है, वो अलग बात है कि उसने बहुत ज्यादा गलत कर दिया यूक्रेन के अंदर में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो एक अलग ही इशू बन चुका है, पर लेकिन उनका इंटरनल इशू है वो, वहां पर अगर अपना फालतू में पचेड़ा अटाने कोई मतलब बनता नहीं, मतलब ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इश्यू है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके चलते एक जो तमिलनाडु वाला जो आर्टिकल था यहाँ पर, जो मैंने आप लोगों को बोला एक छोटा सा आर्टिकल है तमिलनाडु वाला, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, होता क्या है, आप लोगों ने ये सुना है जैसे हरियाणा में क्या होता है, हरियाणा में नॉर्मली ये रहता है कि आज की डेट में अगर कोई एक अलग कास्ट का एक दूसरी कास्ट के साथ में शादी कर ले तो यहाँ पर खा पंचायत बैठती है और फिर यहाँ पर कई सारे इश्यूज निकल कर आते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है, एक गुंडा ग्रुप, वो क्या करता है, वो अपनी कास्ट को अपने धर्म को एक सपोर्ट करने का काम करता है, और अगर कोई दूसरा लड़का लड़की किसी दूसरी कास्ट में जाकर यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हैं, शादी करते हैं, तो यहाँ पर ये ग्रुप पिक्चर में आते हैं, ना कि घर वाले, तो इनके घर वाले तो साइड में हो जाते हैं, ये ग्रुप काम करते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की थी तो लड़की को छोड़ा गया, लड़कियों को पकड़ लिया गया, जो कि एक बोला जा रहा है शायद लोअर कास्ट का लड़का था, और उसको उठाकर ले गए, उसको किडनैप कर लिया, उसको मारा, हाथ कहीं फेंके, पैर कहीं फेंके, धड़ कहीं फेंका ले जाकर। तो जब यहां पर स्टडी की गई तो पता चला कि इनके द्वारा ये हरकतें की गई है। तो क्या ये हरकतें जो है ये लाजमी है यहाँ पर इस तरीके से? आज की डेट में भी सोसाइटी इतने लार्ज स्केल पर डिवाइड रहे ना, और यहाँ पर ओनर किलिंग नॉर्मली बोला जाता था कि हाँ ओनर के लिए किलिंग कर देना, घर वाले कर देते, अब यहाँ पर ग्रुप बन गया है जो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया युवराज करके, यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन है जो यहाँ पर इस ग्रुप को हेड कर रहा है, और यहाँ पर ये अपने हिसाब से यहाँ पर लोगों को टैकल कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि अपने हिसाब से एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। सोचो अगर ऐसे एरिया में आप लोग एसपी बनकर चले जाएं तो क्या आप लोग उसको टैकल कर पाओगे? तो एथिक्स के अंदर ऐसे इश्यू देखने को मिल जाते हैं कि आप लोग ऐसे एरिया में पोस्टेड कर देगा जहां पर ओनर किलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आप लोग उसको कैसे टैकल करोगे ओनर किलिंग को? तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग को इसके बारे में आइडिया रखना है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, ओके। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान वाला मुद्दा डिटेल में आप लोग को बताता हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ओके। इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, यहाँ पर इंडिया और इट्स नेबर के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको जीएस पेपर 2 और 3 के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। बात करते हैं अभी हमारी कंट्री की साइड से गलती से एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की साइड में चली गई, ठीक है।
तो जो मिसाइल पाकिस्तान की साइड में गई, पाकिस्तान ने पहले तो उसको चेक किया अच्छे से, छानबीन की आखिर चल क्या रहा है, यहां से हो कैसे गए यहां पर। पहले तो उनको लगा कि अपने ही देश में कोई जहाज वगैरह गिर गया, फट गया, कुछ ऐसी चीजें हुई, या फिर चाइनीज माल बहुत सारा यूज कर रहे हैं, उनको लगा कि कोई चाइनीज वेपन अपने ही देश में फट गया अपना ही। पर लेकिन जब ढंग से इनके द्वारा चीजों को चेक किया गया तो पता चला कि इंडिया की साइड से एक मिसाइल आई और पाकिस्तान की साइड में जाकर टकरा गई। तो हमारी कंट्री में जो हरियाणा से मिसाइल निकले पाकिस्तान में जाकर यहां पर टकराई। तो इसके चलते यहां पर जब पूरा एनालिसिस किया गया तो इनके द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान के द्वारा बोला गया कि इंडिया ने हमारे ऊपर बेसिकली मिसाइल फायर किए। तो ये बाद में निकल कर आया, हालांकि इन्होंने क्लियर शब्दों में स्टार्टिंग में चीजें नहीं बोली क्योंकि इनको भी समझ में नहीं आया कि हो क्या गया, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन ये बन गई। फिर जब इनके द्वारा ये पब्लिकली एक स्टेटमेंट इशू कर दी गई इनके आर्मी के द्वारा, उस टाइम पर हमारी कंट्री के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई साहब ऐसा कुछ हुआ है, गलती से मिसफायर हमारी कंट्री की साइड से हो गया, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि सिचुएशन यहां पर ये निकल कर आई कि हम लोगों ने भी बेसिकली इसको एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ गलती हो गई है, और हम लोगों ने सारी बातें बोली कि यार गलती हो गई है हमसे, मतलब एक तरीके से ये ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कोई जानबूझकर यहां पर ये काम किया गया, तो सारी बातें बोली गई यहां पर और हमारी कंट्री में इसको एक्सेप्ट भी किया गया और बोला गया यहां पर कि हम लोग डीपली रिग्रेट करते हैं, हम लोग को दुख है इसका, और अच्छी बात यहां पर ये कि किसी की जान नहीं गई है। तो ये बातें जैसे हम लोगों ने बोली, अब पाकिस्तान को तो मौका मिल गया कि हाँ भाई साहब अब तो सामने वाले ने गलती एक्सेप्ट कर ली है, अब पाकिस्तान जो है वो सर पे चढ़ के बैठ गया। तो यहां से अब बार बार पाकिस्तान ये बोल रहे हैं, हमने बोला कि यार जो ये मिसाइल हमारी साइड से निकली हमारे हाथों से, हम लोग इसको चेक करेंगे कि आखिर ऐसी गलती हमसे कैसे हुई, तो हम लोग इसके लिए इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाएंगे और उसके बाद पे देखेंगे क्या क्या कंडीशन यहां पर निकल कर आ रही है। पर लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसको मानने के लिए तैयारी नहीं है। हमारे हाई कमिश्नर के पास में भी बातें जा रही है बार बार जो इस्लामाबाद के अंदर में, तो बोला ये जा रहा है कि आप अकेले इसमें इंक्वायरी नहीं करोगे, पाकिस्तान की साइड से भी इसमें लोग रहेंगे जो इसमें इंक्वायरी करेंगे। तो उसके चलते अभी यहां पर पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये बात यहां पर बोली जा रही है कि ऐसा नहीं कि इंडिया खुद इंक्वायरी करेगा, हम भी इंक्वायरी करेंगे। अब मुझे जब ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था मुझे कुछ बातें याद आ गई, अगर इस तरीके से हम लोग इंक्वायरी करने बैठेंगे तो इतनी सारी चीजें हैं इंक्वायरी करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो रो देगा, ठीक है। इतनी सारी बुरी बुरी हरकतें इनकी साइड से हो रखी हैं। जब हम लोगों ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि भाई साहब गलती होगी, ठीक है, और क्या करना है, और अपना पैसे ले लो, जो भी गलती वहां पर जो भी आप लोगों की थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, पर लेकिन ये थोड़ा ना कि एक तरीके से यहां पर कि हाँ बिल्कुल ही उसमें आ गए, चलिए फिर भी, पर लेकिन ये एक कोई ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो कि एक आसान मुद्दा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जब किसी चीज पर आकर बैठ जाती है तो फिर वो इशू और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इशू बनाया जा रहा है अभी इंटरनेशनल मीडिया में, और पाकिस्तान भी इसको तूल देने पर पूरा जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान बोल रहे हैं यहां पर ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिससे सामने वाले को गुस्सा आएगा, बोल रहा है कि आर्म फोर्स ही यहां पर आप लोगों की मिसाइल को हैंडल कर रही है, या फिर कुछ बेवकूफ बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा धूर्त या फिर कोई ऐसा नटखट एलिमेंट बैठा हुआ है जो आप लोगों की मिसाइल को हैंडल कर रहे हैं कि उसके हाथों से मिसाइल निकलकर हमारे देश में आकर टकरा गई। तो ऐसे ऐसी स्टेटमेंट पाकिस्तान की साइड से निकल कर आ रही है। पर लेकिन फिर भी मोर और लेस अच्छी बात यहां पर यह है कि दोनों साइड में न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो हो सकता था कि पाकिस्तान जो है इसको ये मानकर कि हमारे ऊपर अटैक कर दिया इंडिया ने और वो भी उधर से रिटेलिएट कर देता, पर वो चीज नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान ने इसको बोला है कि देखिए अगर ऐसा हो सकता था तो हम भी रेस्पॉन्ड कर सकते थे कि हमारे ऊपर अगर यहां पर एक तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन करके इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल फायर कर दिया तो हम भी अपनी साइड से कोई मिसाइल फायर कर सकते थे, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकती थी। पर ये बहुत ही एक मैच्योर एक आप लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं दोनों कंट्री की साइड से, और वो भी दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री की साइड से, वरना कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती थी। हाँ आप लोग ये बोल सकते हो इंडिया की साइड से थोड़ी सी गलती, आप लोग ये बोल सकते हो कि हम लोगों की साइड से ये जो मिसाइल फायर हुई थी तो हम लोग को पहले ही स्टेटमेंट इशू कर देना चाहिए था कि गलती से ऐसा कुछ हो गया है, पर लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा लेट किया, हम लोगों ने पहले तो ये सोचा कि सामने वाले को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलो छोड़ देते हैं, मतलब चली गई तो चली गई, अब सामने वाले को पता चलेगा तो रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो देखेंगे, क्या पता वो अपना आप ही सोचते रहेंगे कुछ अपना ही हुआ है कुछ, तो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग भी उसी चक्कर में थे, पर वही है कि दोनों कंट्री की साइड से चीजें एक्सेप्ट कर ली गई हैं, अब यहां पर चीजें इसको चेक करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इसको एक सामने वाले अटैक कर दे तो आप भी अटैक करना स्टार्ट कर दो, और ये एक वॉर और काफी खतरनाक वॉर, वो भी दो न्यूक्लियर पावर कंट्री के बीच में, तो सिचुएशन खराब कर सकती है, ठीक है। तो ये मुद्दा है यहां पर, आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, अगर आप लोगों से कोई पूछे लिखने के लिए कुछ बातें आप लोगों से पूछे कि यहां पर इस मुद्दे को किस तरीके से देखना चाहिए तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे। चलिए ये तो जो भी आप लोग बोलेंगे वो आप लोग बताएगा, पर अभी जो मुद्दा है मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि किस पर्टिकुलर मिसाइल के ऊपर ये सारी बातें की जा रही है। आज आप लोगों को इंडिया का मिसाइल सिस्टम मैं बता देता हूं कि हमारे पास में कौन कौन सी मिसाइल है जिनके बारे में आप लोग एक ओवरव्यू भी यहां पर ले सकते हैं। अभी जो हम लोग बात करें इनके द्वारा बोला गया कि ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमारी कंट्री का ये काफी ताकतवर मिसाइल सिस्टम है, और ये वही मिसाइल सिस्टम है जो अभी हम लोग यहां पर कई सारे देशों को बेच भी रहे हैं,
जिसके चलते हमारी कंट्री में डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोग बढ़ा रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत में। ब्रह्मोस जो यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर है हमारी कंट्री का डीआरडीओ और इसी के साथ में रशिया का है यहाँ पर एनपीओएम, तो हमारी कंट्री का डीआरडीओ और रशिया का एनपीओ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर डीआरडीओ का नाम, और एनपीओ का एनपीओएम का नाम आप लोग देखोगे तो ये रशियन लैंग्वेज में कुछ उल्टा सीधा है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एनपीओ आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर दो कंट्री की रिवर यहाँ पर है, हमारी कंट्री की ब्रह्मपुत्र और रशिया की है यहाँ पर मोस्को, इनके नाम पर मिलाकर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसमें दो स्टेज आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सॉलिड और दूसरी लिक्विड, जो कि यहाँ पर एयर टू सरफेस आप लोगों को यहाँ पर जो मिसाइल है वो वार करती हुई नजर आती है, लगभग 300 किलोमीटर की रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो मैंने दो स्टेज बोला है, पहली स्टेज जो होती है सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इसको बोला जाता है, इनकी क्या करती है ये एक तरीके से सेपरेट हो जाती है जब जो स्पीड है उसकी वो मैक 1 पहुंच जाती है या फिर सुपरसोनिक स्पीड में पहुंच जाती है। इनकी स्टार्टिंग का जो मिसाइल को बूस्टअप देने का काम किया जाता है वो स्टेज 1 के द्वारा किया जाता है जो कि सॉलिड स्टेज रहती है। फिर इसको आगे लेकर चलती है और मैक 3 तक इसको पहुंचाती है, वो क्या करता है लिक्विड रैमजेट इंजन जो हाई स्पीड का यहां पर काम करता है। तो ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। याद रखिएगा जो मैक है ये स्पीड काउंट की जाती है, कैसे अगर आप लोगों से पूछे कि 1 मैक क्या बोलेंगे आप लोग यहां पर, यानी कि मैक कैसे निकाला जाता है, जब यहां पर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी कि जिस स्पीड पर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है और यहां पर उसको साउंड की स्पीड से जब आप लोग डिवाइड कर देते हैं तो वो मैक नंबर में निकल कर आते हैं, यानी कि स्पीड जो है वो मैक में काउंट की जाती है। यहां पर अगर कोई बोले कि सबसोनिक सुपरसोनिक या फिर यहां पर ट्रांसोनिक या हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, तो ये इसकी स्पीड के डिपेंड पर रहता है यहां पर कि कैसी कैसी स्पीड आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसके बेस पर डिपेंडेंट आप लोगों को ये देखने को मिलता है। अगर कोई आप लोगों को बोले कि सबसोनिक है तो इसका मतलब है कि 1 मैक से नीचे स्पीड है इसकी, अगर बोले कोई ट्रांसोनिक है इसका मतलब है कि 1 मैक के इक्विवेलेंट स्पीड है, अगर बोले कोई सुपरसोनिक है वो 1 मैक से ज्यादा स्पीड है, और अगर कोई बोले आप लोग हाइपरसोनिक है तो हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी ज्यादा हो जाती है कि प्लग झपकते इधर से उधर हो जाएगी तो उसकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा जो कि आप लोगों को कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। अगर बात करें एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें हम लोग बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये बेसिकली आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि मिसाइल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का एक रिजीम है जो कि यहां पर ब्रह्मोस सिस्टम की रेंज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने बोला कि ब्रह्मोस की रेंज कितनी है तो 300 किलोमीटर आप लोगों ने बताई, अभी यहां पर इसकी जो रेंज है हम लोग उसकी 450 से लेकर 600 किलोमीटर रेंज हम लोग इसकी कर रहे हैं, जिसके चलते बार बार यहां पर बात की जा रही है कि अभी और ज्यादा ताकतवर ये हो जाएगी आने वाले टाइम में। अच्छी बात यहां पर ये है ब्रह्मोस इतनी ताकतवर मिसाइल है कि हम लोग इसको हर जगह से यूज कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन किसी भी टेम्परेचर किसी भी हम लोग इन्वायरमेंट कंडीशन बारिश या फिर आंधी तूफान में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस एक हैवीएस्ट वेपन है जो कि सुखोई 30 से यहां पर लॉन्च किया जा सकता है, और यहां पर लगभग 2.5 टन इसका वेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, धरती आकाश पानी हर जगह से हम लोग इसको यहां पर लॉन्च कर सकते हैं, और एक्यूरेसी इतनी शानदार है कि जहां पर हिट करेंगे वहीं पर ही जाकर ये बेसिकली हिट करेगा, इसलिए यहां पर इसको बोला गया कि फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार छोड़ दो और फिर ये अपना काम कर ही बेसिकली एक तरीके से सांस लेगा, इसको आगे गाइड करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार छोड़ दो और फिर उसके बाद सो जाओ, ठीक है। फिर तो यहां पर एक तरीके से फिर तमाशा देखो कि वहां पर क्या होने वाला है। तो डे एंड नाइट दोनों यूज कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर किसी भी वेदर किसी भी मौसम में इसको यूज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पर ब्रह्मोस वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है यहाँ पर जो कि ऑपरेट की जाती है बेसिकली 2.83 जो 2.8 मैक पर, यहाँ पर यानी कि 3 गुना लगभग जो साउंड स्पीड रहती है हम लोग उससे इसको लॉन्च करते हैं। तो ये बातें हैं इसके बारे में। हमारी कंट्री का अगर कोई मिसाइल सिस्टम आप लोगों से पूछ ले तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। टोटल मिलाकर नॉर्मल तरीके से 7 तरीके के मिसाइल सिस्टम हमारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मिसाइल इसमें बहुत सारी है पर 7 तरीके के सिस्टम है, जैसे सरफेस टू एयर हो गया, एयर टू एयर हो गया, सरफेस टू सरफेस हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, इसी के साथ में क्रूज मिसाइल, इसी के साथ में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल, सबके उदाहरण मैंने इसके सामने लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिले, और कल को पूछ ले जाए कि कैसी मिसाइल है तो एक मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको याद रख सकते हैं। क्रूज मिसाइल जो है ये यहाँ पर ब्रह्मोस आप लोगों को देखने को मिलती है, और बाकी सरफेस टू एयर यानी कि धरती से आसमान में वार करने वाली त्रिशूल आकाश आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में एयर टू एयर जैसे अस्त्रा मिसाइल आप लोग देखते हैं, सरफेस टू सरफेस यानी कि धरती से धरती पर अग्नि के पांचों वर्जन और पृथ्वी के वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बैलिस्टिक में यहां पर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम आप लोगों को नजर आएगा, और जो यहां पर समुद्र के बारे में बात करें तो सागरिका K-15 K-4 और K-5, इसी के साथ में यहां पर एंटी टैंक मिसाइल नाग और हेलेना आप लोगों ने देखी, तो ये कई सारी मिसाइल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन सकते हैं, मिसाइल मैन के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, क्या मिसाइल वुमेन के बारे में आप लोग जानते हैं? जी हाँ, हमारे देश में मिसाइल वुमेन का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम है यहाँ पर टेसी थॉमस।
तो टेसी थॉमस जो है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर जी जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, टेसी थॉमस का नाम आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आते हैं आप लोग एक तरीके से, अगर साइंस के फील्ड में जाना चाहती है कोई भी अगर लड़की, तो ये यहां पर एक अच्छा उदाहरण है उनके लिए कि हाँ इस लेवल पर भी आप लोग पहुंच सकती हैं। तो टेसी थॉमस इंडियन साइंटिस्ट डायरेक्टर ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम और फॉर्मर प्रोजेक्ट जो यहां पर अग्नि 4 के लिए काम किया गया था इनके द्वारा, और यहां पर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो दोनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी, बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों से यहां पर अभी डिस्कस किया, यहां पर मैं बेसिक यहां पर डिस्कस कर रहा था ब्रह्मोस के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसको यहां पर क्रूज मिसाइल बोलते हैं, और क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में यहां पर ब्रह्मोस, ब्रह्मोस सेकंड और निर्भया आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनकी एक तरीके से यहां पर ये होगी सुपरसोनिक, यहां पर हाइपरसोनिक और ये होगी सबसोनिक। तो सारों के बारे में मैंने बता दिया कौन सुपरसोनिक, कौन सी सोनिक रहती है, तो सारी सोनिक जो है उनकी आप लोग चीजें देख सकते हैं। तो यहां पर अभी निर्भया जो है वो लगभग 8 मैक तक यहां पर आप सॉरी 0.8 मैक तक आप लोग स्पीड देखने को मिलेगी। ब्रह्मोस जो यहां पर सेकंड है उसकी और स्पीड यहां पर बढ़ाई जा रही है, तो आने वाले टाइम पर और अच्छे लेवल पर आप लोगों को यहां पर हमारी मिसाइल की प्रोडक्टिविटी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आई होप कि मिसाइल सिस्टम के बारे में आप लोग समझ पा रहे होंगे और पूरा मुद्दा क्या है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दिया करो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को वीडियो फायदा पहुंचा रही है तो आप लोग थम्स अप देकर बता सकते हो, या फिर आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही है, कि यार टाइम जो है वो वेस्ट हो गया फालतू में, कुछ अच्छा काम कर लेते हो उतने टाइम में, ठीक है। तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप, ठीक है। ये एयर लैंड और सी हर जगह आप लोग यूज कर सकते हैं, ये एक काफी शानदार हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस देने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहां पर ये सारी बात की जा रही है, ओके। तो सारे वर्जन आप लोगों को मैंने बता दिए इसके, अब कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं देखना चाहिए, इसके चलते सारे माइंड में क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलनी है क्या क्या मुद्दे हैं, कौन कौन से टाइप के मिसाइल है, तो ये सारा कुछ आप लोगों के सामने है, ओके। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, वैसे न्यूजीलैंड का बहुत सारा पोर्शन मैंने स्टार्टिंग में कवर कर लिया फ्रंट पेज वगैरह, अब यहां पर कुछ और बातें हैं। संतोष ट्रॉफी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली मालापुरम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अब ये मालापुरम कहां पर है चलिए आप लोग बताइएगा, ठीक है। लोकेशन थोड़ी थोड़ी आप लोगों को पता होना चाहिए। संतोष ट्रॉफी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, और इसका जो मैसेकट बनाया गया है, ठीक है, तो ये यहां पर जो ये क्रिएट किया गया तो प्रदीप कुमार के द्वारा क्रिएट किया गया, जो 75th यानी 75वीं संतोष ट्रॉफी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो 50,000 रुपए यहां पर दिए गए मैसेकट बनाने के लिए, ठीक है। तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। कई बार गेम के बारे में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखते रहा करो, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए स्पोर्ट्स भी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कवर कर देता हूं, पेपर पूरा डिटेल में कवर करता हूं, कोई भी पॉइंट आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ये इदुकी के एमपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं मुल्ला पेरियार के केस को लेकर। तो मुल्ला पेरियार जो डैम है ये काफी न्यूज में रहते हैं, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर भी आप लोगों यहां पर क्वेश्चन बन सकता है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। मुल्ला पेरियार डैम एक काफी पुराना बांध है यहां पर ये, और ये मुल्ला और पेरियार इसका नाम रखा गया है क्योंकि एक रिवर देखने को मिलेगी मुल्ला और पेरियार जहां मिलती है वहां पर ये डैम है, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर। तो यहां कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, जूम करके अगर देखोगे तो याद रखिएगा पेरियार टाइगर रिजर्व भी है यहां पर ये, ठीक है। और मुल्ला पेरियार जो डैम है यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, जिसको आप लोग मैप में भी अगर देखना चाहे तो मैप में देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन मुल्ला पेरियार डैम की, ठीक है। तो ये यहां पर काफी पुराना आप लोगों को यहां पर ये बांध नजर आएगा, जिसके बारे में आप लोग यहां पर देख पाएंगे। तो ये जो बांध है ये बहुत ही पुराना बांध है, यानी कि ये यहां पर जब बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम पर यहां पर ये, तो तब से लेकर अब तक ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके बारे में बार बार बातें यहां पर की जाती है कि ये डैम न्यूज में है तो इसका सोल्यूशन क्या करना है। तो इसी के बारे में मैं आप लोग कुछ बातें बताऊंगा बेसिक, जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, सबसे पहले तो कितना पुराना डैम है ये, तो ये 1886 में बनाया गया था, ठीक है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 126 साल से भी पुराना ये डैम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसको 1000 साल के लिए यहां पर दे दिया गया था तमिलनाडु को, ठीक है, जिसके चलते यहां पर ये न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इतना पुराना डैम हो चुका है जिसकी वजह से बार बार यहां पर इशू रहता है, केरला में कई सारी इसके बारे में बातें की जाती है, लोग परेशान रहते हैं केरला गवर्नमेंट खासकर, तो इसके चलते यहां पर इसकी मरम्मत के बारे में बात की जाती है। तो ये न्यूज में है तो इसके बारे में याद रखिएगा। कार्डमन जो हिल एरिया है वेस्टर्न घाट उसमें देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। पेरियार रिवर और मुल्ला रिवर का जो मीटिंग पॉइंट है वहां पर देखने को मिलेगा, और ये एक तरीके से साइन किया गया था एग्रीमेंट महाराजा ऑफ त्रिवेंकोर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो यहां पर एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया के उनके द्वारा साइन किया गया था 999 की 1000 साल के लिए तमिलनाडु के खाते में है ये, पर 1000 साल तक ये टिकेगा तो वो देखने वाली बात होगी। तो इसके बारे में ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी पेरियार रिवर के बारे में कोई पूछ ले आप लोगों से तो याद रख सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला के अंदर में, लाइफ लाइन केरला की बोला जाता है, और 12 मासी रिवर है यहाँ पर।
ये इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे यहाँ पर मथुरा, जैसे यहाँ पर मथुरा पूजा, ठीक है, इसी के साथ में मुलियार हो गया, यहाँ पर चेरुथुनी हो गया, और यहाँ पर ये पेरिंजन कुट्टी, तो ये रिवर्स हैं। बाकी इसी के साथ में यहाँ पर ये शिवागिरी हिल वेस्टर्न घाट में एरिया देखने को मिलेगा, और पेरियार नेशनल पार्क भी इसके आसपास आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार डायरेक्ट बन जाता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा डिफेंस का जो मुद्दा है, अभी यहां पर AK-203 यहां पर हम लोग किससे खरीद रहे थे, रशिया से खरीद रहे थे, तो अभी यहां पर लग नहीं रहा है जल्दी से इनकी डिलीवरी हो पाएगी, क्योंकि रशिया जो है वो अभी काफी ज्यादा बिजी चल रहा है। तो 6.1 लाख हम लोगों ने खरीदे थे यहां पर, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का हमारा ये रशिया के साथ में एक ज्वाइंट वेंचर था, जिसमें हम लोगों ने कुछ बातें की थी कि इंडिया के अंदर भी बनाएंगे। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखिएगा, MAT उत्तर प्रदेश के अंदर में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाने की बात की थी। तो अभी ऐसी हालत चल रही है कि ये चीजें आगे कंटिन्यूअसली नहीं हो पाएगी, जैसी चीजें अभी देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा MAT उत्तर प्रदेश, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है, अगर कंफ्यूजन हो तो डिक्लेयर उसको क्लियर करके चलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर एक और है, रसिया एयर स्ट्राइक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर में, तो लोगों की जान जा रही है, USA के जर्नलिस्ट की भी जान चली गई, तो ये तो हो गई। फिर यहाँ पर ईरान जो है उसने क्लेम किया कि उसने जो यहाँ पर अभी रिसेंटली इराक के अंदर में जो USA का कॉन्सुलेट था उसके ऊपर मिसाइल जो है वो यहाँ पर दाग दी गई, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें चल रही है। तो आने वाले टाइम में इशू आप लोग को और भी कई सारे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो देखने वाले कंडीशन ये होगी क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। अभी हमारे द्वारा भी एक मिसाइल जाती है, ठीक है, तो भी आप लोगों ने देखा, तो कई सारे इशू हैं। चाइना जो है वो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस फेस कर सकता है अगर रशिया के साथ में ऐसी सपोर्ट करता रहा, ये बातें बोली गई यहाँ पर, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। और ईरान जो है वो सस्पेंड कर रहा है टोक सऊदी अरेबिया के साथ में, क्यों, क्योंकि 41 सिया मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसके चलते सऊदी अरेबिया को ये चीजें जो है वो पसंद नहीं है, ये यहाँ पर गुस्सा हो गया उसको लेकर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए डेडिकेशन के साथ में आंसर देना, डेडिकेशन का आप लोग नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा शानदार तरीके से डेडिकेशन के साथ में आंसर दिए जा रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ये सारी चीजें मैंने पूछी थी। इसी के साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बातें की थी, रामसर साइट के बारे में मैंने बात की थी अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश, और जो यहाँ पर गुजरात के अंदर में नई रामसर साइट है, कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्स कौन से बॉर्डर को सेव करती है, इंडिया पाकिस्तान BSF, इंडिया बांग्लादेश BSF, इंडिया भूटान SSB, ठीक है, इसी के साथ में इंडिया नेपाल ये SSB, इसी के साथ में इंडो तिब्बतन फोर्स यहाँ पर इंडिया चाइना बॉर्डर पर, और इंडिया म्यांमार आसाम राइफल, तो ये मैच करने के लिए भी कई बार आप लोगों से आ जाता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर जरूर देखा करो, जो भी क्वेश्चन के आंसर देता हूं आप लोगों से। बाकी यहां पर बात की जा रही है एलिनेट, ये अलग थलग करना, ठीक है, इंपेरेटिव अनिवार्य किसी चीज को जरूरी दिखाना, ठीक है, इसी के साथ में इवेंट्स, ये एक तरीके से नहीं एक तरीके से कोई ये रिवील करना चीजों को, ठीक है, स्पोर्ट प्रेरणा एक तरीके से बोल सकते हैं, होलिस्टिक सामग्री होलिस्टिक तरीके से चीजों को कवर करना, जैसे न्यूज़पेपर पूरा होलिस्टिकली कवर करता हूं मैं, तो ये हो गया होलिस्टिक तरीके से न्यूज़पेपर को कवर करना। तो इसका आंसर आप लोग जरूर दिया करो, ये क्वेश्चन के जो मैं आप लोगों को बताता हूं इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर क्या है, 43B, तो ये इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। संविधान में संशोधन किया गया, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, पार्ट ये आप लोगों को 9B में देखने को मिलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जब ऐड की गई, तो ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट में सी में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट रहता है ये, और एक तरीके से डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये इसको प्रमोशन के बारे में बात की जा रही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में यहां पर बन सकता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने डिस्कशन आज का एंजॉय किया होगा, अगर हां तो फीडबैक देकर जुड़ जाना। 2 क्वेश्चन पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पर, उनके आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, इसे ही जाकर आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर यहां पर दे सकते हैं आप लोग। डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, कल भी मैंने आप लोग का जो बेसिकली एथिक्स का क्वेश्चन पोस्ट किया था, और यहां से आप लोग जाकर नोट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं, और यहां पर PDF आप लोगों को मिल जाती है। 3 टेलीग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें मिल जाती है, इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, बाकी फीडबैक देकर आप लोग जरूर जाना, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।